हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ज्योति। दिस स्ट्रक्चर ऑफ टी एस ऑफ एंथर। जब आपका एंथर मैच्योर होता है तो एंथर के अंदर चार बड़ी बड़ी झुरियां पाई जाती हैं खजाने से, जिसमें पॉलीग्रेन्स होते हैं। उन झुरियों को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। उन माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर बाहर निकाला जाए तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा सेम उसी का है, एक हिस्से का है। अगर एक हिस्से को अगर देखा जाएगा तो इसके बाहर तीन लेयर पाई जा रही है। एक आपका एपिडर्मिस हो गया, दूसरा आपका एंडोथीसियम हो गया, तीसरा आपका मिडिल लेयर होता है, और जस्ट सबसे अगर लोअर पार्ट वाला जो लेयर होता है वो आपका टैपेटम होता है। और टैपेटम के अंदर अगर देखा जाएगा तो जो छोटी से हिस्सा है उसके अंदर क्या होता है, आपके मदर सेल्स होते हैं। उन मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस के द्वारा क्या होता है कि चार माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, और जैसे चार माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं ये पूरी प्रक्रिया आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। मतलब उसके अंदर पॉलीग्रेन का डेवलपमेंट होता है। जब पॉलीग्रेन का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो जाता है तो ये जो तीनों लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, तीनों के तीनों आपके क्या हो जाते हैं, डेहिसेंस हो जाते हैं। और इनके जस्ट डेहिसेंस होने के बाद ही